أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يغفلانه ويمصرانه ويمجسانه حضرات علماء اکرام ذمہ داران مدرسہ و اساتذہ و نوجوانان اسلام و عزیز طلبہ اور پردے میں تشریف فرما मेरी माए और बहने, मुझे सबसे पहले ये हुक्म दिया गया कि मैं खासकर औरतों से कहूं कि वो अभी ना जाए, थोड़ी देर बयान होगा, फिर बच्चों में इनामात तकसीम होंगे, फिर उसके बाद दुआ होगी, खाने का इंतजाम है। जाने वाली औरतों से दरख्वास्त है कि वो न जाए, इत्मीनान से बैठे। बहरहाल अल्लाह जल्ल शानहु का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि हम सबको इस जलसे में आने की तौफीक दी और ये मासूम बच्चों और बच्चियों की जुबानों से इस्लाम और दीन के ताल्लुक से कुछ बातें सुनने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ने हम सब की कामयाबी के लिए और हमारी इस्लाम के लिए तरबियत के लिए अल्लाह ने इस्लाम को दीन को नाज़िल फरमाया। इस इस्लाम को सीखना, समझना, इस पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। हदीस पाक में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। दीन का इल्म हासिल करना, इस्लाम का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मर्दों को सीखना जरूरी, औरतों को सीखना जरूरी, इसी तरह छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को सीखना भी जरूरी है। इसीलिए रिवायत में फरमाया गया, जब बच्चा बोलने लगे, कुछ कहने लगे, तो सबसे पहले उसकी जुबान पर अल्लाह निकले इसकी कोशिश करना चाहिए। बच्चे का पहला लफ्ज जुबान से अल्लाह निकले। आज हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, जब वो बोलने की कोशिश करने लगता है तो कहते हैं कि ये अब्बू हैं, ये अम्मी हैं, ये मामा हैं, ये नाना नानी हैं, ये दादा दादी हैं, पता नहीं और क्या क्या जुमले कहते हैं। हदीस पाक में फरमाया गया, बच्चे का पहला बोल और उसका पहला कलिमा जुबान से अल्लाह निकलना चाहिए। जो बच्चे की जुबान से सबसे पहले अल्लाह निकलता है, उसके माँ बाप के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और बच्चों के बारे में इतनी फिक्र करनी चाहिए, इतना ख्याल करना चाहिए कि हमारा बच्चा और बच्ची इस्लाम पर जीने वाली बने, जीने वाले बने और इस्लाम पर ही उनकी मौत आए।
इस्लाम पर ही उनका इंतकाल हो जाए इतना ख्याल करना चाहिए। जैसे अल्लाह ने कहा वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान होने की हालत में मरो। तो हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि उनका जीना इस्लाम पर और उनका मरना भी इस्लाम पर। आजकल जो हालात चल रहे हैं ईमान को खराब करने के लिए और हमारे दिलों से अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मारिफत खत्म करने के लिए और हमारी जिंदगियों से शरीयत और इस्लाम को खत्म करने के लिए हजारों स्कीमें हजारों प्लान बनाए जा रहे हैं। ऐसे खतरनाक माहौल में अपने ईमान की भी हिफाजत करना और अपनी औलाद की ईमान की भी हिफाजत करना, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम वअहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल्हिजारा। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचेंगे? ईमान के जरिए से, आमाल सालिहा के जरिए से, इस्लाम पर जिंदगी गुजारने के जरिए से, सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने के जरिए से और ईमान पर इस्लाम पर मरने के जरिए से जहन्नम की आग से बच सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और आगे फरमाया तुम अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। घर वालों से मुराद बीवी आ गई, घर में रहने वाली माँ आ गई, घर के अंदर रहने वाली औलाद भी आ गई। यहाँ तक कि उलमा ने बयान फरमाया तुम्हारे दुकानों में कारखानों में फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं मजदूर, वो मजदूर भी आ गए कि उन सब लोगों को जहन्नम की आग से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस आयत के तफसीर में मुफ्ती आजम अल्लामा शफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है माँ बाप के जिम्मा ये फर्ज है, माँ बाप के जिम्मा ये फर्ज है कि अपनी औलाद से कहे कि ये फर्ज है, ये हलाल है, ये हराम है। यानी उनके जहनों में ये बात बिठाना कि बास चीजें वो हैं जो हलाल हैं और बहुत सारी चीजें वो हैं जो हराम हैं। मेहनत करके कमाना हलाल, सच्चाई के साथ कमा के खाना हलाल, अमानतदारी के साथ कमा के खाना हलाल और आंखों की हिफाजत करना जरूरी, जुबान की हिफाजत करना जरूरी और अपने आप को गुनाहों से बचाना जरूरी। झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, चोरी करना हराम। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मकतब जाते हैं, किसी और का पेन लेकर आ जाना, कलम लेकर आ जाना, चुरा के लेके आ जाना, ये हराम। और स्कूल में ट्यूशन में मकतब में जाते हैं किसी और के जूता चप्पल पहनकर आ जाना, ये हराम। किसी और की बुक लेकर आ जाना, ये हराम। किसी और की किताब चुरा के लेके आ जाना, ये हराम। किसी और के पैसे चुरा के लेके आ जाना, ये हराम। तो माँ बाप के जिम्मा ये जरूरी है कि बच्चों के दिलों में ये बातें बिठाएं कि बेटा ये हलाल है, ये हराम है। तो हलाल की दावत देना, हराम की दावत देना ये माँ बाप के जिम्मा वाजिब है, फर्ज है। हदीस पाक में आया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्तबा अपने नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को देखा कि रास्ते में खजूर पड़ी हुई है, छोटे से बच्चे हैं हजरत हसन,
बच्चों को क्या पता कि ये पड़ी हुई खजूर मेरे लिए हलाल है या हराम है, बच्चों को क्या अकल है। तो रास्ते में पड़ी हुई थी खजूर उठा के मुंह में डाल लिया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कह कह के थूको इसे, मुंह से निकालो बाहर। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अमा ताअरिफु अन्ना ला नाकुलु सदका, बेटे क्या आपको मालूम नहीं ये सदके का माल है और ये चीज हमारे लिए हलाल नहीं है, ये जकात का माल है, ये माल हमारे लिए हलाल नहीं है, क्या आपको मालूम नहीं। ये हदीस की शरह में मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, इसी तरह माँ बाप के जिम्मा ये वाजिब है, जब तुम्हारी औलाद शरीयत के खिलाफ कोई अमल करे, इस्लाम के खिलाफ कोई अमल करे, तो उस अमल से रोकना माँ बाप के जिम्मा ये वाजिब है। माँ बाप ये ना सोचे या कि छोटा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो ये गुनाहों से बच जाएगा, अभी ये मासूम बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो ये गुनाह छोड़ देगी, ये गुनाह से बच जाएगी, ये सोचकर खामोश रह जाना माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए ये गलत है, बल्कि उनके लिए जरूरी है कि इन चीजों से उनको रोके। एक मतलब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में है, जिंदगी में एक ही मरतबा हज किया है, एक जगह से दूसरी जगह जाना था, सवारी पर सवार है और आपकी सवारी के पीछे हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे से बच्चे नौजवान है पीछे बैठे हुए थे। इतने में एक औरत आई पर्दे की हालत में, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कोई मसाला पूछा, अल्लाह के पैगंबर जवाब दे रहे थे। इतने में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे पीछे जो मेरा भतीजा बैठा हुआ है, इसकी आंख औरत पर जा रही है और औरत ये बच्चे को देख रही है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वो बच्चे का चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया, दूसरी तरफ फेर दिया और वो बच्चे से कहा बेटा ये वो मौका है जिस मौके पर जो अपनी आंखों की हिफाजत कर ले और अपने कानों की हिफाजत कर ले, अपनी जुबान की हिफाजत कर ले, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देते हैं। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे को देखा कि वो एक औरत को देख रहा है, तो बच्चा समझकर खामोश नहीं रह गए बल्कि उसको तंबीह फरमाई और इस अमल से रोक दिया। एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी बीवी है और हम सब की माँ है, उम्मे सलमा का निकाह हमारे नबी के निकाह से पहले किसी और से निकाह हुआ था, तो उस निकाह में उनसे एक लड़का पैदा हुआ अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो छोटा सा बच्चा हुआ, तो बाद में चलकर वो शोहर का इंतकाल हो गया। इज्जत गुजरने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने उम्मे सलमा से निकाह किया, तो वो छोटा सा बच्चा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में आ गया। तो दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह के पैगंबर खाना खा रहे थे, तो ये छोटा सा बच्चा है, जैसे खाने के आदाब सुनाए गए, इस आदाब में से अदब ये है कि खाते हुए अपने सामने से खाना, दरमियान में हाथ डालकर या इधर उधर हाथ डालकर नहीं खाना, ये अदब के खिलाफ है। अपने सामने सामने से खाना, ये खाना के आदाब में से है। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये छोटा सा बच्चा है, तो उसका हाथ इधर उधर घूम रहा है, कभी इधर कभी वो चीज उठा ली, कभी वो चीज उठा लिया, कभी उधर हाथ डाल दिया। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस बच्चे के अमल को देखकर तीन बातें इरशाद फरमाई। सबसे पहले ये बात बयान फरमाई, समिल्ला बेटे अल्लाह का नाम लेकर खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ। और फरमाया वकुल बियमीनी बेटे सीधे हाथ से खाओ, और आगे फरमाया वकुल मिम्मा यली बेटे अपने सामने से खाओ, इधर उधर हाथ मत डालो। तो छोटा सा बच्चा है, उसके अमल को देखकर अल्लाह के नबी खामोश नहीं रह गए, बल्कि उनको आदाब सिखाया, इस्लाम की तालीम सिखाई कि बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सीधे हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ। तो इन रिवायतों से पता चलता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे बच्चों को देखकर भी उनको इस्लाम सिखाया, शरीयत सिखाई, सुन्नतों को सिखाया। यहाँ तक कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से बच्चे को देखा, बुखारी ने मुस्लिम ने रिवायत है, एक छोटे बच्चे को देखा, उसके सर के बाल आधे मुंडे हुए हैं, आधे छोड़े हुए हैं। जैसे आज के जमाने में बच्चों का हाल, नौजवानों के सरों का हाल क्या है, डिजाइन डिजाइन की कटिंग आ गई, देखो सरों का हाल क्या है। तो इसी तरह अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में छोटे से बच्चे को देखा कि आधा सर के बाल कटे हुए और आधे सर के बाल रखे हुए हैं। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बच्चे के इस अमल को देखकर फरमाया कि ये अमल ना करो, ये हरकत ना करो। सर मुंडवाना है तो मुकम्मल मुंडवाओ, अगर सर के ऊपर बाल रखना है तो मुकम्मल बाल रखो। ये कौन सा तरीका है कि आधा सर मुंडवा रहे हैं, आधा सर के बाल रखे हुए हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अमल ना करो, रखना है मुकम्मल सर के बाल रखो, या मुंडवाना है तो मुकम्मल मुंडवा दो। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मर्दों की इस्लाह फरमाई, औरतों की इस्लाह फरमाई, वही अल्लाह के नबी ने बच्चों की भी तरबियत फरमाई, बच्चों की भी रहबरी फरमाई, और माँ बाप को तवज्जो दिलाई कि अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, बच्चों की ईमान की हिफाजत के लिए, उनके अखलाक की हिफाजत के लिए, उनकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की हिफाजत के लिए माँ बाप के जिम्मा ये जरूरी है कि अपने बच्चों का ताल्लुक मकतब से मजबूत रखें, अपने बच्चों का ताल्लुक मस्जिदों से मजबूत रखें, अपने बच्चों का ताल्लुक उलमा से मजबूत रखें। जिन बच्चों का ताल्लुक उलमा से होता है, मस्जिदों से होता है, मकतब से होता है, कुरान के सीखने सिखाने से होता है, दुआओं के सीखने सिखाने से होता है, उन बच्चों के अखलाक की हिफाजत होती है, उनके ईमान की हिफाजत होती है और उनके इस्लाम की हिफाजत होती है। जिन बच्चों का ताल्लुक मकतब से ना हो, कुरान के सीखने सिखाने से ना हो, तो आज का जो माहौल चल रहा है फितनों का, खराबियों का, बुराइयों का, तो इस माहौल में रहकर बच्चों के अखलाक बिगड़ जाएंगे, उनका ईमान खराब हो जाएगा, और आइंदा चलते चलते खतरा है कि वो ईमान ही से निकल जाएंगे। जैसे हमारे सामने, हम सब के सामने चंद बच्चियों ने हिजाब के साथ बुर्का इस्तेमाल करते हुए हिजाब की अहमियत पर, बुर्का की अहमियत पर जो बातें कही हैं, ये कोई मामूली बातें नहीं है। आज के कॉलेजों में, स्कूलों में, मेडिकलों में जो हिजाब का मसाला चल रहा है, ये कोई मामूली मसाला नहीं है, ये बहुत ही नाजुक मसाला है। ये जो गुंडे लोग हैं और ये जो फितना परवर लोग हैं, इनके नीयतें खराब हैं, इनके इरादे खराब हैं, इनकी आंखों में जिना है, इनके दिल के ख्यालात उभरने वाले जिनाओं से भरे हुए हैं और इनके इरादे जिनाओं से भरे हुए हैं। ये चाहते हैं कि इनका हिजाब निकल जाए, निकाब निकल जाए। जैसे आप देखते हैं कि हजारों हजारों की तादाद में कलीमा पढ़ने वाली लड़कियां
और कलिमा पढ़ने वाले मर्द इस्लाम को छोड़कर गैर के मजहब में जा रहे हैं, किसी और के धर्म को अपना रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? उन्होंने हिजाब को पहचाना नहीं, इस्लाम को पहचाना नहीं, ईमान की अहमियत को पहचाना नहीं, अपने धर्म को पहचाना नहीं, अल्लाह की मारिफत को पैदा नहीं किया, जिसकी वजह से वो मुर्तद हो रहे हैं। आज वो लोग चाहते हैं कि ये जो पर्दे के साथ आते हैं, इनका ईमान भी खराब हो जाए, इनका इस्लाम भी खराब हो जाए, इनके दिलों से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाए, नबियों की मोहब्बत निकल जाए, वलियों की मोहब्बत निकल जाए, इनकी जिंदगियों से सहाबा के अखलाक निकल जाए। उनकी ये मेहनत चल रही है, ऐसे खतरनाक माहौल में अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करना, इस्लाम की हिफाजत करना, ये माँ बाप के जिम्मा जरूरी है। एक रिवायत सुनाकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ, वक्त भी ज्यादा हो रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा। इस्लाम दुनिया के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा हो या बच्ची, दुनिया के किसी भी घर में, किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में, जहाँ कहीं बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं, तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वो बच्चा और बच्ची इस्लाम पर पैदा होते हैं, दीन की बुनियाद पर पैदा होते हैं। वो मुसलमान के घर में पैदा हो या यहूदी के घर में पैदा हो या क्रिश्चियन के घर में पैदा हो या किसी और के धर्म के घर में पैदा हो, जिस घर में भी पैदा हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बच्चा फितरते इस्लाम पर पैदा होता है। फिर क्या होता है, कोई बड़ा होकर मुसलमान हो जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई यहूदी बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई और धर्म में चले जाता है, ये क्यों होता है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये माँ बाप का माहौल होता है। अगर वो बच्चे के माँ बाप इस्लाम के माहौल में हो, ईमान के माहौल में हो, शरीयत के माहौल में हो, तो वो बच्चे बड़े होकर इस्लाम वाले बनते हैं, मोमिन बनते हैं, मुसलमान बनते हैं। अगर कोई माँ बाप यहूदी होते हैं, तो उनका माहौल यहूदियत का होता है, तो उनके घर में पैदा होने वाले बच्चे बड़े होकर यहूदी बन जाते हैं। अगर माँ बाप का माहौल ईसाई का हो, तो वो बच्चे बड़े होकर ईसाई बन जाते हैं। अगर कोई माँ बाप आग की पूजा करने वाले होते हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर आग की पूजा करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ ये तवज्जो दिलाई कि माँ बाप का जो माहौल होता है और उनके घर का जो माहौल होता है, वो माहौल में पलने वाले बच्चे उसी माहौल में पह जाते हैं। तो हमारी ये जरूरी है कि हमारे घरों का माहौल, माँ बाप का माहौल इस्लामी माहौल हो, सुन्नतों का माहौल हो, शरीयत का माहौल हो। तो ऐसे माहौल में ये हमारे बच्चे बड़े होंगे, तो ये मोमिन बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, ये डॉक्टर भी बने तो मोमिन बन के रहेंगे, इंजीनियर बने मोमिन बन के रहेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे तो मोमिन बन के रहेंगे, साइंटिस्ट वाले बन जाएंगे तो मोमिन बन के रहेंगे, दुनिया के चट्टे चट्टे में भी चले जाए, अगर इनका माहौल इस्लामी होगा, शरीयत का माहौल होगा, तो ये मोमिन बन के जिंदगी गुजारेंगे, मोमिन बन के मरेंगे। इसलिए हमारा माहौल इस्लामी होना जरूरी है। तो एक बात ये समझ आई, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए मकतब से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। रोजाना पाबंदी के साथ अपने बच्चों को मकतब को रवाना करें, पाकी सफाई के साथ अपने बच्चों को मकतब को रवाना करें, और अपने बच्चों के दिलों के अंदर किताबों की अजमत, कुरान की अजमत, अंबारे की अजमत, दुआओं की किताब की अजमत, दीनियत की अजमत, जो किताबें लेकर यहाँ के पढ़ते हैं, उन किताबों की अजमत, उसकी कदर, उसका एहसास बच्चों के दिलों में होना चाहिए। इसी तरह असातिज़ा का, उस्तादों का आदर, उनका एहतराम, उनकी अजमत बच्चों के दिलों में पैदा होना चाहिए। माँ बाप की अजमत बच्चों के दिलों में पैदा करना चाहिए। बड़े बड़ी बहनों का, भाइयों का अदब,
उनकी अजमत बच्चों के दिलों में पैदा करना चाहिए, बड़ों का आदर उनका एहतराम बच्चों के दिलों में पैदा करना चाहिए। ये सारी चीजें बचपने में करेंगे तो ये बड़े होकर माँ बाप की खिदमत करेंगे, बहन भाइयों के हकूक अदा करेंगे और इस्लाम की अजमत के साथ जिंदगी गुजारेंगे और इस्लाम की अजमत के साथ इनका इंतकाल भी होगा। बहरहाल माँ बाप को ख्याल करना चाहिए, तवज्जो दिलाना चाहिए कि कम से कम बच्चों की इतनी तरबियत करें, इतनी तरबियत करें, इतना दीन सिखाएं, ये हलाल को पहचाने, हराम को पहचाने। और माँ बाप अपने बच्चों को इतना तैयार करें, इतना तैयार करें, अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो उसका बच्चा माँ की जनाजे की नमाज पढ़ाए, बाप का जनाजा आ जाए तो बेटा खड़े होकर अपने बाप की नमाज जनाजा अदा करे। इतनी तरबियत करना चाहिए और इतना दीन सिखा देना चाहिए। और इमाम ना हो तो ये मस्जिद में नमाज पढ़ा सके और ये हज बैतुल्लाह को जाए तो लोगों की रहबरी कर सके और ये बड़ा हो जाए तो कौन का रहबर बने। तो ऐसी तरबियत करना चाहिए और ये तमाम चीजें बच्चों के अंदर पैदा कराना चाहिए। माशाल्लाह यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चे बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया, नात पढ़ी, गजल पढ़ा, तकरीरें की और खाने की सुन्नतें, दुआएं वगैरह कितनी सारी चीजें इन्होंने पढ़ी। ये तमाम चीजें हम सबको भी सीखना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन बातों को समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये बच्चों को और बच्चियों के इल्म अमल में, ईमान में बरकत नसीब फरमाए और यहाँ के असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए और इस मकतब के जो जिम्मेदार हैं अल्लाह ताला उनकी फिक्रों को कबूल फरमाए। और आप भी यहाँ बैठकर इतनी देर तक बच्चों की जुबानों से और मेरी भी चंद बातें आपने सुनी, अल्लाह ताला आपके सुनने को कबूल फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।